बगीचे में होगा पारंपरिक जतरा मेला। डोड़की नदी किनारे लगने वाला मेला स्थल सच कर तैयार। टोरा टोरा, ब्रेक डांस, नौका झूला, ट्रिगन ट्रेन, बच्चों का स्विमिंग पूल, नौका विहार रहेगा मनोरंजन का प्रमुख केंद्र। बगीचा इन दिनों परदेशियों का आशा स्थल बना हुआ है। कारण, यहां के वार्षिक जतरा मेले का मुख्य अतिथियों के हाथों विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात शुभारंभ होना तय किया गया है। विकासखंड बगीचा क्षेत्र का सबसे वृहद वार्षिक जतरा मेला नगर पंचायत बगीचा में लगता है। इस मेले में पूरे भारत वर्ष से व्यापारियों और कलाकारों का आगमन होता है, जो बगीचा क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में बसने वाले लोगों को काफी सहूलियत प्रदान करता है। वनांचल क्षेत्र में निवासरत जनता जनार्दन को जरूरत की चीजें कम दामों पर उपलब्ध रहती हैं, जिसके कारण वनांचल के ग्रामीण पूरे धैर्य के साथ पूरे साल इस जतरा मेले का इंतजार करते हैं। मनोरंजन के दृष्टिगत बगीचा के जतरा मेले में भिन्न भिन्न प्रकार के कई खेल तमाशे लगते हैं, जो लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए अति आवश्यक है। बगीचा के इस जतरा मेला में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है यहाँ लगने वाला गगनचुंबी झूला और उसी के समकक्ष टोरा टोरा, ब्रेक डांस, नौका झूला, ड्रैगन ट्रेन, बच्चों का स्विमिंग पूल, नौका विहार के साथ ही मदारियों का खेल। बहरहाल नगर पंचायत बगीचा में लगने वाला वार्षिक जतरा मेला डोड़की नदी के तीर में सज चुका है, जिसमें लगभग सभी प्रकार की आवश्यक सामग्रियों की दुकानें लग गई हैं। मेला ठेकेदार के अनुसार बगीचा के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। महोदय, आप लोगों के यहाँ जो वार्षिक जतरा मेला का आयोजन किया जाता है, इस संबंध में कुछ जानकारी? बगीचा में वर्षों से ये जतरा मेला बसंत पंचमी के अवसर पर लगते आ रहा है और ये यहाँ का एक पारंपरिक पर्व के हिसाब से आदिवासी क्षेत्र में मेला लगता है। दूर दराज से लोग यहाँ मनोरंजन के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे झूला है, मौत कुआं है और भी खेल खेलते हैं। और जो गांव देहात से आते हैं, जरूरत की जो सामानें हैं, सभी सामानें यहाँ उपलब्ध होती है। और ये मेला उत्सव के रूप में इसको जतरा का नाम भी दिया गया है और एक पारंपरिक पर्व मेला है और लोगों में उत्साह और जोश भी है। और जो दुकानदार आते हैं वो बेचारे दो पैसे यहाँ से कमा के भी जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।